भाग्य। माँ पार्वती दिने जाइथांती इंद्रंक गृहकु। सेठी इंद्राणी सची तांकर भारी आदर सत्कार करंती। पार्वती इंद्र भुवनर सुंदरता देखि मुग्ध हुवंती ओ कैलासकु फेरंती। सेदिन रातिरे महाप्रभु शिव देखंती जे माता पार्वतीक मुह सुखी जाइछि। भारी अन्यमनस्क से अछंती। शिव स्नेहबोला कंठरे पचारिले, हे प्रिय, तुम मनरे काहीं सरसता नाही? पार्वती उत्तर देले, प्रभु, आज मु इंद्रंक महल को जाइथिली। सेठी तांक महलर शोभा देखि मोहित हेली। समस्त देवादेवी केते सुंदर सुंदर महलरे रहउछंती, एमितिकी ब्रह्मा भी ब्रह्मलोकरे तांकर निजस्व प्रसादरे रहउछंती। पुणि विष्णु ओ लक्ष्मीक वैकुंठ लोकर महल कथा तो न कहिले भल, किंतु आमे पड़ी रही छे केबे ई कैलाश पर्वतरे तो केबे श्मशानरे। पार्वतीक कथा शुणी शिव हसीदेले, पचारिले, ताहेले तुम्हें कौन चाहो प्रिय? पार्वती आशा भरा कंठरे कहिले, काली की आमर संतान संतति हेबे, सेमाने आम भली एमती बाहरे थंडा काकरे पड़ी रहिबे? ना ना ना, मु भावुची आमे भी एबे इंद्रमहल भली एक विलासमय प्रासादरे रहिबा। शिव कहिले, किंतु पार्वती आम भाग्यरे ते घर ही नाही। पार्वती कहिले, ए भाग्य भाग्य कौन, मु किछि सुनिबाकु चाहेनी, मते जेमिति हेले गोटे घर दरकार। मु आउ ए कैलाश पर्वतरे कि को श्मशानरे भूत पिशाचंक सहित रही पारिबिनि। शिव देखिले जे माता पार्वतीक आउ बुझेई लाभ नाही, एणु से तत्क्षणात देवंकर वास्तुकार विश्वकर्माक प्रकट हेबापाई आदेश देले। सांगे सांगे विश्वकर्मा महादेवंक सम्मुखरे आविर्भाव हेले। शिव तांकु कहिले, इंद्र महल उठुपि सुंदर घरटिए निर्माण करिबापाई। सांगे सांगे विश्वकर्मा निज कामरे लागिगले। माता पार्वतीक गोड़ खुशीरे आउ तले लागु नथाए। किछि दिन गला, घरर निर्माण संपूर्ण हेला। शिव ओ पार्वती नवनिर्मित घरटिकु देखिबाकु गले। नुआ घरकु देखि दुहे आचंबित हे रहिगले। एमिति भव्य घर, इति सुंदर, एमिति एई तीन लोकरे अद्भुत घर कहार पा अछि? पार्वती भारी खुशीरे घर प्रतिष्ठार आयोजन कले। समस्त देवादेवी को आमंत्रण कले। घर प्रतिष्ठा दिन समस्त अतिथि आसी पहुंची गले। शिव ओ पार्वतींकर भव्य प्रसाद देखि समस्ते विमोहित हेले। कि निपुण से निर्माण, कि कुशली से कारीगरी, एमिति प्रसाद आउ केबे कोउ लोकरे केहि तयारी करि पारिबो? असंभव। समस्त विश्वकर्मा को धन्य धन्य कले। शिव पार्वतींकु तांकर नुआ घर पई शुभेच्छा जणैले। पार्वतींक मन कुंडे मोट हेगला। नुआ घरर प्रतिष्ठा हेला। समस्त देवादेवी भोजी भात खाई फेरी गले। एबे गृह प्रवेश हब, तेबे ता पूर्वरु विश्वकर्मा को तांको पाउणा दे दबा दरकार। शिव विश्वकर्मा को डाकी पचारिले, हे विश्वकर्मा, तुम कर्म कुशलतारे मु मोहित, कुह तुमको पाउणारे मु कौन देबी? शिवंक कथा सुनी विश्वकर्मा टिके थतमत हेले। शिव तांको अभय दे कहिले, कुह विश्वकर्मा, कुह तुम मनरे कौन अछि, कुह। विश्वकर्मा धीर कंठरे कहिले, हे प्रभु, मत क्षमा करिबे, मो मन किंतु एई प्रासाद भीतर ही रही जाइछि। एई प्रासाद जेमिति मो उपरे किछि माया करि देइछि, एई प्रासाद को छाड़ी मु दंडे मध्य रही पारिबिनि। एणु पाउणारे मते एई प्रासादटि देइ दियंतु। पार्वती एहा शुणि चमकी पड़िले। विश्वकर्मा नतमस्तक हेले। शिव टिके हसी देले, तापरे हाथ टेकी तथास्तु कहिले। विश्वकर्मा दुहिंकु जोड़ हस्तरे प्रणाम करी सेठु उभान हेगले। तांक संगरे उभान हेगला से विलासमय प्रसादटी। पार्वती आखि उठेई शिवंकु चाहिले। तांक आखिरे ढळ ढळ होउथिला दीटोपा लुह। शिव हसी देई कहिले, एबे बुझिला त प्रिये,
ଭାଗ୍ୟମ୍ ଫଳତି ସର୍ବତ୍ର। ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ କାହାକୁ କିଛି ମିଳେନି, ସେ ରାଜ୍ୟ ହଉ ସନ୍ତାନ ହଉ ଅବା ଗୃହ। ଆଉ ଭାଗ୍ୟର ବଳରୁ ନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି ନା ରାକ୍ଷସ ନା ଦେବତା। ଆସ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଶିବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପାର୍ବତୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଈଶତ୍ ହସିଦେଲେ। ତାପରେ ଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ନିଜର ସେହି ପ୍ରିୟ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ।